और बलूचिस्तान में हुकूमती जमात BAP के अंदरूनी अख्तलाफात खुल कर सामने आ गए। स्पीकर अब्दुल कुदूस बजिंजो के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की तैयारियां शुरू कर दी गईं, जबकि वजीर आला जाम कमाल शोरो ने मीर जान मोहम्मद जमाली को नया स्पीकर नामजद करने की ऑफर भी कर दी। ज़राए के मुताबिक स्पीकर अब्दुल कुद्दूस बजिंजो से वज़ीर आला के इख्तलाफात ख़त्म कराने के लिए कोशिशें भी कारगर साबित न हो सकी। ज़राए के मुताबिक बजिंजो ने गुज़िश्ता माह वज़ीर आला जाम कमाल की कारकर्दगी पर खुलकर मीडिया पे तनकीद की थी और अपने मौक़िफ़ पर न सिर्फ अभी तक डटे हुए हैं बल्कि ओहदे से हटाए जाने की पेशगोई भी कर चुके हैं। वज़ीर आला पर तनकीद करते हुए उनका कहना था, वज़ीर आला जाम कमाल अच्छे इंसान हैं लेकिन अच्छे वज़ीर आला साबित ना हो सके और ना ही वो सूबे के आवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरे हैं। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला पर कड़ी तनकीद के बाद वज़ीर आला जाम कमाल और इनके बाद साथियों की जानिब से स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने के हवाले से बाकायदा मुहिम का आगाज कर दिया गया और आइंदा चंद दिनों में बाकायदा इस पर अमल दरामद के हवाले से मखलूत हुकूमत में शामिल पार्टियों को भी एतमाद में लिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सीनियर रुकन सूबाई असम्बली मीर जान मोहम्मद जमाली को वज़ीर आला जाम कमाल की जानिब से बलूचिस्तान के लिए नया स्पीकर नामजद किए जाने की ऑफर कर दी गई है, जिस पर मीर जान मोहम्मद जमाली ने हामी भी भर ली है।